Hello everyone and welcome to Indian Masterminds. We are again present here with a very special guest who with his work and efficiency has inspired many. He is Mr. Ashish Singh, currently serving as the DC of Holy City Ujjain. Thank you Pelvi. Sir, apart from this Mahakal Lok, jitna pata hai mujhe ki usi ke saath simultaneously Shipra River ko clean karne ka bhi project chal raha tha. I guess ye mission Amrit mission ke under mein. जैसे जब आप म्यूनिसिपल कमिश्नर थे उज्जैन के तभी शायद वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एंड फिर वो बीच में रुक गया. काफी मतलब काफी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे शिप्रा रिवर को मतलब दोबारा से उसको साफ करने के लिए. फिर आप दोबारा आए शुरू हुआ तो जानना चाहती हूँ कि इज इट लाइक प्रॉपर कम्प्लीटली क्लीन नाउ? कैन वी से कि इट्स 100% क्लीन? नो नो नॉट यट. Not yet. Actually, the problem with Ujjain is that यहाँ पर सीवेज की लाइन्स बिल्कुल भी नहीं थी. मतलब जब अमृत मिशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जब मैं पहले था 2017 में यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर था, उस समय ही लॉन्च हुआ था. DPR उस समय बनी थी. बाद में कुछ लोकल इश्यूज थे कि हमको सीवेज लाइन लानी है नहीं लानी है, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नया क्रिएट हुआ था पूरा सिंगस में, और जब भी सीवेज लाइन पड़ती है तो सारी रूट्स टूटती हैं. एक्सक्यूवेशन के बाद में फिर से नई लाइन पड़ती है, तो थोड़ा रेजिस्टेंस मतलब नेचुरली था कि हम क्यों अपनी रूट्स खराब करें. लेकिन फिर वो बीच में चालू हो गया था. अभी आके हम लोगों ने उसको और तेज किया है. तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो तो हमारा वो हो गया है, बन गया है. लेकिन जो ट्रंक लाइंस हैं वो भी, उनका भी काम लगभग हो गया है. लेकिन ट्रंक लाइंस को सीवेज लाइन से जोड़ने का काम, जो हाउस होल्ड कनेक्शंस होंगे वो भी काम बचा हुआ है. तो और हम लोगों की ऐसी प्लानिंग है कि अगले 7 से 8 महीने के अंदर पूरा प्रोजेक्ट वो करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे. ट्रंक लाइंस चूंकि हमारी हो गई है, हाउस कनेक्शन इनको करने हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा ऑलरेडी बन गया है, फंक्शनल भी हो गया है. तो 7-8 महीने के अंदर जब हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है जब हो जाएगा तब शिप्रा क्लीन होगी. लेकिन अभी भी जो शिप्रा का जहां से आ रही है वहां से भी थोड़ा बहुत उसमें सीवेज मिल रहा है. जब वो उज्जैन आती है उससे पहले ही उसमें थोड़ा बहुत सीवेज मिलता है. उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक अलग से एक प्रोजेक्ट अभी स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें कि उसको बाईपास कर रहे हैं. एक जो रिवर है जिससे कि पॉल्यूशन होता है इसमें, तो उस रिवर को ही बाईपास करके दूसरी तरफ ले जा रहे हैं जिससे कि शिप्रा में वो ना मिल पाए. ठीक है सर. जब ये आप इससे पहले इंदौर में भी, इंदौर को क्लीन सिटी बनाने में भी आपका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उस वक्त भी आई गेस ये कान्हा और सरस्वती रिवर को दोबारा से रेजुविनेट करने में यू प्लेड अ रियली इम्पोर्टेंट रोल, यू डिड दैट. तो उसको मतलब उन दो रिवर्स को क्लीन करने में, और इसको एक तो आपने सीवर का प्रॉब्लम बताया, उसके अलावा जो मेजर क्या डिफरेंस है दोनों रिवर्स को क्लीन, मतलब तीनों प्रोजेक्ट्स में जो मेजर डिफरेंस है, मेजर चैलेंज जो है वो क्या है? कान और सरस्वती को क्लीन करने का जो हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट लिया था, और जो कान सरस्वती में नाले मिल रहे थे लगभग 6-7 नाले, वो सारे हमने सीवर से टैप कर दिए थे. उस एक्सपीरियंस का फायदा हमें रुद्र सागर में मिला, क्योंकि जो हम लोगों ने वहां पर किया था और जो चीजें वहां से सीखी थी, इसलिए रुद्र सागर को हमने केवल मुश्किल से 6-7 महीने लगे जिसमें कि 100% सीवेज फ्री कर दिया है वाटर बॉडी को. शिप्रा को भी उसे उस पे करने का हम लोग वो कर रहे हैं. लेकिन जैसा मैंने बताया कि चैलेंज इसमें दूसरा ये भी है कि कुछ सीवर ऐसा भी है जो इस शहर से बाहर भी से ही वो हो रहा है, मिल रहा है. तो उसके लिए हमको स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लगेगी. लेकिन फिर भी शहर का जितना भी पार्ट है वो हमको 4-5 महीने में कम्प्लीट करना है. तो सर महाकाल लोक बन गया, शिप्रा रिवर अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड दिस ईयर एंड क्लीन हो जाएगा, तो क्या उज्जैन भी, लाइक आप और मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि इंदौर को क्लीन सिटी बनाने में यू हैव ऑलरेडी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, तो क्या उज्जैन भी लाइक लाइन में है कि इट कैन आल्सो कम्पीट विद, नाउ कम्पीट विद इंदौर, इट कैन बी मे बी द यू नो क्लीनेस्ट और मे बी द सेकंड मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी आफ्टर इंदौर? इंदौर के साथ अच्छी बात यह है कि इंदौर में बहुत बड़े पैमाने पर इनोवेशंस होते रहे. इंदौर इतने दिनों से लीडर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंदौर में बहुत अच्छा काम हुआ है. और उज्जैन में भी क्लीनिनेस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है जो अभी उज्जैन को करना पड़ेगा. लेकिन फिर भी इस बार जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग टॉप 3 में, टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटीज में शामिल हों, और उसके लिए
जो भी चीजें करनी पड़ रही म्युनिसिपल कमिश्नर और पूरी नगर निगम की टीम कर रही है। ठीक है सर, एक ये लास्ट सवाल मैं जानना चाहती हूँ, जैसे उज्जैन भी एक रिलीजियस प्लेस है, बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है ऐसी जगह को क्लीन करना जो रिलीजियसली इतना इनरिच है, लोग आना जाना इतना ज्यादा है। तो उज्जैन फिर भी आप बता रहे हैं कि उज्जैन जो है वो हो सकता है कि फर्स्ट नंबर 3 में आ जाएगा क्लीनेस्ट सिटी में, तो ऐसा ही और शहरों के साथ जैसे बनारस के साथ ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम, मतलब आपका कोई ओपिनियन या टेक है? स्वच्छ भारत मिशन के लॉन्च होने के बाद में, स्वच्छ सर्वेक्षण के बाद में लगभग सभी शहर सभी में क्लीनलीनेस का लेवल निश्चित रूप से बढ़ा है, और जो दिखता है हमको साफ सुथरा होना उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कैसा है, वहां पर जो पूरी टीम है जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, जनता कितनी अवेयर है, और भी कई सारे लेगेसी इश्यूज भी रहते हैं। तो हर जगह के अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत होती होते हैं, मंदिर होते हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है तो ज्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि उज्जैन अपने आप में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा कैसे जो दूसरे शहर हैं जहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा है वो उज्जैन से सीख सकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, इट वाज रियली ग्रेट चैट विद यू, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, दिस वाज मिस्टर आशीष सिंह टॉकिंग अबाउट महाकाल लोक एंड शिप्रा रिवर। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन आल्सो टेल अस योर व्यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।